जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सब लोगों को PFTP के इस जूम सेशन के अंदर खुश आमदीद। और जो स्टूडेंट्स हमारे iOS डेवलपमेंट के सेशन में या iOS डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर जिन लोगों ने एनरोल किया है, मैं उन सब लोगों को इस कोर्स के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। और आप सब लोगों को इस फील्ड के अंदर वेलकम करने के बाद मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा कि आप लोगों ने यह फील्ड चूज़ की है, तो अब आप लोगों ने इस फील्ड के अंदर मेहनत करनी है। और आज के सेशन के अंदर हम लोग किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वो चीज़ ये है कि आप लोगों को अब आप लोगों ने iOS डेवलपमेंट चूज़ की है, तो iOS डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि iOS डेवलपमेंट है क्या। उसके बाद आप iOS डेवलपमेंट सीखने के बाद आपका इसकी फील्ड के अंदर इसका कितना स्कोप है, और आप iOS डेवलपमेंट करके किस तरह से अपनी लाइफ के अंदर एक हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। तो हम लोग सर्च कर लेते हैं सिंपली गूगल के ऊपर जाकर। होप सो कि आप लोगों ने भी इस कोर्स के अंदर एनरोल करने से पहले ये सारी चीज़ें सर्च की होंगी, जो कि करनी चाहिए। अगर किसी ने नहीं की तो उसको अपनी फील्ड के बारे में इतना पता होना चाहिए कि आप लोग जिस फील्ड के अंदर आए हैं उसका स्कोप क्या है, उसका मतलब क्या है, आप लोगों ने ये फील्ड चूज़ की है तो क्यों की है। तो iOS बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप लोग एप्पल कंपनी को तो सब लोग जानते ही होंगे, तो एप्पल कंपनी की डिवाइसेस जो मोबाइल डिवाइसेस हैं, मतलब आईफोन्स जो हैं, आईफोन्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइक यहाँ पर जैसे मेंशन किया गया है कि iOS क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या होता है, जो किसी भी डिवाइस को ऑपरेट कर रहा होता है। लाइक आईफोन जो है, आईफोन एक हार्डवेयर डिवाइस है, उसको चलाने के लिए हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उन तमाम हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करके तो हमें तमाम फंक्शंस परफॉर्म करने को अलाउ करता है। तो वो बेसिकली तमाम काम जो है वो हमारा ओएस करता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो iOS बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल डिवाइसेस के अंदर होता है, एप्पल यानी आईफोन डिवाइसेस के अंदर होता है। तो अब iOS डेवलपमेंट क्या है, iOS ऐप डेवलपमेंट, iOS डेवलपमेंट एक और चीज़ है, iOS ऐप डेवलपमेंट, यहाँ फिलहाल हम लोग iOS को ही डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि iOS स्टार्ट कब हुआ था। तो iOS की जो हिस्ट्री है वो यहाँ पर आ रही होगी आपके सामने कि iOS जो है वो 2007 के अंदर स्टार्ट हुआ था। लाइक जैसे यहाँ पर 2007 इनिशियल रिलीज डेट इसकी क्या है, 29 जून 2007। ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को जब आप किसी भी फील्ड के अंदर एंटर होते हो तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। कल को ये आपको कोई एग्ज़ाम आता है या आप लोगों को कोई इंटरव्यू आता है तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के माइंड में होना लाजमी है कि iOS है क्या, ठीक है, iOS डिवेलप किसने किया था, iOS एप्पल कंपनी ने डिवेलप किया था, और iOS एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद अभी iOS का लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, वो भी यहाँ पे मेंशन है कि 15.6 जो है वो लेटेस्ट एप्पल वर्जन है, मतलब iOS का लेटेस्ट जो वर्जन है वो चल रहा है। और iOS जो है वो कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं इसमें, इसमें स्विफ्ट है, सी है, ऑब्जेक्टिव सी है, C++ है, असम्बली लैंग्वेज। असम्बली लैंग्वेज हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज़ होती है। असम्बली लैंग्वेज बेसिकली होती क्या है, असम्बली लैंग्वेज सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। लाइक असम्बली लैंग्वेज के अंदर कोई भी प्रोग्राम जब लिखा जाता है तो असम्बली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम्स किस लिए लिखे जाते हैं, ताकि अपने आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ज़्यादा सिक्योर हो। असम्बली लैंग्वेज को ब्रेक करना, उसके प्रोग्राम को क्रैक करना और किसी भी हैकर के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा टेक्निक चाहिए होती है इस कोडिंग को ब्रेक करने के लिए असम्बली लैंग्वेज को, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, काफ़ी सिक्योर लैंग्वेज है असम्बली लैंग्वेज। अभी आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो उसमें ये एंड्रॉयड के अंदर भी असम्बली लैंग्वेज यूज़ होती है, इसी तरह iOS के अंदर भी होती है। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जब जहाँ पर सिक्योरिटी पर्पज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, और iOS इस चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करता है। iOS सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि जिस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स आपको iOS प्रोवाइड करता है उस तरह के सिक्योरिटी फीचर्स आपको कोई और
ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड नहीं करता, तो इसीलिए इसमें असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करके एक काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी सेटअप किया गया है कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपका जो डाटा है वो काफ़ी हद तक सिक्योर हो जाता है। और iOS में शुरू शुरू में जब iOS एप्लीकेशंस बनती थी तो वो सी लैंग्वेज और ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है, इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए या C++ को यूज़ करते हुए iOS एप्लीकेशंस डेवलप की जाती थी। बट अब जो है iOS डेवलपमेंट सिंपली सिर्फ एक लैंग्वेज के ऊपर है, वो है स्विफ्ट, ठीक है। इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए अब आप लोग iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं। iOS ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशंस हैं, लाइक जो एप्लीकेशंस आप आईफोन के अंदर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह, ये तमाम एप्लीकेशंस iOS एप्लीकेशंस हैं जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सपोर्ट करती हैं। तो इन तमाम एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए ही जो है iOS डेवलपमेंट का आप लोग कोर्स कर रहे हैं कि आप लोग iOS एप्लीकेशन डेवलप कर सकें जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चले। तो अब आप लोगों को iOS का पता लगा कि iOS है क्या, iOS स्टार्ट कब हुआ था, ये 29 जून 2007 को स्टार्ट हुआ था। उसके बाद अभी iOS का जो लेटेस्ट वर्जन है वो कौन सा चल रहा है, वो है 15.6, और iOS कितनी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल है, वो 40+ लैंग्वेजेस हैं। और इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन कौन सी सपोर्ट करती हैं, स्विफ्ट है, सी है, ऑब्जेक्टिव सी है, C++ है और असेंबली लैंग्वेज है, ये तमाम लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। उसके बाद iOS डेवलपमेंट किस लैंग्वेज के अंदर होती है, वो है स्विफ्ट, ठीक है। स्विफ्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि iOS एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए लिखी जाती है। अब स्विफ्ट लैंग्वेज जो है इसका सेंटेक्स क्या है वो आप लोगों को आपके लेक्चर्स के अंदर सारा पता लग जाएगा कि आप लोग स्विफ्ट के अंदर कोडिंग करते हैं तो इस तरह का इसका कोडिंग स्नैरियो होता है, ये इसका सिंबल है, ठीक है। अब आप लोग को ये पता लग गया कि आप लोगों ने iOS डेवलपमेंट करनी है, iOS होता क्या है, iOS ऐप क्या होती है, तो iOS डेवलपमेंट करने के लिए अब आप लोग टूल कौन सा यूज़ करते हो, ठीक है। iOS डेवलपमेंट को करने के लिए आप लोग एक टूल यूज करते हो एक्स कोड, ठीक है। iOS डेवलपमेंट के लिए आप एप्पल का ये एक IDE है, मतलब एक सॉफ्टवेयर है जो कि iOS के ऊपर जितनी भी iOS के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके लिए अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो भी आप एक्स कोड को यूज़ करोगे, अगर आपने iOS के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो भी आप एक्स कोड को ही यूज़ करोगे, ठीक है। मतलब एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इसी टूल के ऊपर होती है। मैक ओएस के लिए आपने करना है, यहाँ पर सारा उन्होंने नीचे मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों ने अगर मैक ओएस के लिए कोई चीज़ डेवलप करनी है, iOS के लिए कोई चीज़ डेवलप करनी है, iPad OS के लिए कोई चीज़ डेवलप करनी है, एप्पल की जो वॉचेज़ हैं उसके लिए, एप्पल के जो टीवी है उसके लिए कोई भी चीज़ आप लोगों ने डेवलप करनी है तो उसके लिए आप लोग किसका यूज़ करेंगे, एक्स कोड का ही यूज़ करेंगे। अब ये एक्स कोड जो है कब रिलीज़ हुआ, ठीक है, ये 2003 के अंदर रिलीज़ हुआ था 23 अक्टूबर को। अभी जो इसका स्टेबल वर्जन चल रहा है वो है 13.4.1, ठीक है। और ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को। मतलब एक्स कोड के ऊपर अगर आप लोगों ने वर्क करना है तो आप लोगों के पास एक मैकबुक होना चाहिए, लाइक आप लोगों के पास एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा जिसके ऊपर एक्स कोड इंस्टॉल होगा, ये विंडोज़ के ऊपर इंस्टॉल नहीं हो सकता। बट आप लोग इनिशियली डेवलपमेंट करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि आपके पास अगर विंडोज़ डिवाइस भी है, जैसे मैं अभी एक विंडोज़ के ऊपर ही ये सेशन ले रहा हूँ, तो मेरे पास इसमें काम करने का एक तरीका है कि मैं इसके अंदर एक्स कोड कैसे इंस्टॉल करूँ। एक्स कोड आप लोगों ने एक विंडोज़ के ऊपर किस तरह से यूज़ करना है उसके लिए आपके पास ये वर्चुअल बॉक्स होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों के पास वर्चुअल बॉक्स होगा, इस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो वर्चुअली चला सकते हैं। जब आप इसके अंदर एक
आप इसके अंदर क्या करेंगे कि एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड कर लेंगे एक वर्चुअल बॉक्स के अंदर, ठीक है। उसके अंदर फिर आप लोग एक्स कोड इंस्टॉल करके तो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं iOS एप्लीकेशंस उनको बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इंस्टॉल करना नहीं भी आता तो आप लोग यहाँ पर सर्च कर लें हाउ टू यूज एक्स कोड ऑन विंडोज, ठीक है। तो इसमें भी उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों को विर्चुअलाइजेशन जैसे VMware है, विर्चुअल बॉक्स है, इन जैसी एप्लीकेशंस को यूज करते हुए आप लोग विंडोज के अंदर भी एक्स कोड को यूज कर सकते हैं। बट डायरेक्टली आप लोग जो है विंडोज के अंदर एक्स कोड को इंस्टॉल नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स कोड प्रोडक्ट है एप्पल वालों की और वो एप्पल के ही जो लैपटॉप्स हैं उनको सपोर्ट करेगा। यहाँ पर डिफरेंट वीडियोस हैं, ठीक है। आप इन वीडियोस को देखते हुए वर्चुअल बॉक्स को किस तरह से इंस्टॉल करना है वो भी आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स ऑन विंडोज 10, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो आ जाएगी जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग एक विंडोज के ऊपर वर्चुअल बॉक्स जो है वो किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, और फिर उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर आप लोगों ने मजीद ये सर्च करना है कि हाउ टू इंस्टॉल मैक ओएस इन वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। उसके लिए भी आप लोगों को डिफरेंट वीडियोस यूट्यूब से मिल जाएंगी। तो आप लोगों ने अगर आपके पास मैकबुक नहीं है बट आप लोग फिर भी iOS डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो उसका एक ही हल है कि आप लोग अपने लैपटॉप के अंदर वर्चुअल बॉक्स करें। वर्चुअल बॉक्स करने के बाद उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम करें और फिर उस मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक्स कोड को इंस्टॉल करके तो आप लोग वहाँ पर एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्स कोड। इसके अलावा आप लोग डायरेक्टली विंडोज़ के ऊपर एक्स कोड को नहीं चला सकते। इसके पीछे रीज़न क्या है, रीज़न मैंने आप लोगों को बता दिया है कि एक्स कोड जो है वो एप्पल वालों का एक प्रोडक्ट है और ये मैकबुक के अलावा किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता। और उसके बाद जिन बच्चों के पास पहले से ही मैकबुक्स हैं या आई मैक है जिनके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो डायरेक्टली उसको अपने ऐप स्टोर से जाके एक्स कोड को इंस्टॉल कर लेंगे और एक्स कोड के ऊपर फिर आप लोग बाद में अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी iOS की फील्ड के बारे में, iOS डेवलपमेंट की फील्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आप लोगों के साथ कि iOS क्या है। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ बच्चे अभी आए हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि iOS क्या है। iOS बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल डिवाइसेस को सपोर्ट करता है। उसके बाद iOS एप्स क्या है, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट एप्लीकेशन चालू होते हैं लाइक आप लोग आईफोन्स यूज़ करते हैं तो आईफोन्स के अंदर जो एप्लीकेशंस चल रही होती हैं लाइक आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, फेसबुक यूज़ कर रहे हो तो वो iOS एप्लीकेशंस हैं जो कि iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चल रही होती हैं। तो अब आप लोग iOS ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो मतलब आप भी कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाओगे जो कि सिर्फ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगी। तो उस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आप लोग कौन सी लैंग्वेज यूज़ करोगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया लैंग्वेज वो होगी स्विफ्ट, ठीक है। आप लोग स्विफ्ट लैंग्वेज को चूज़ करोगे और उसके बाद फिर आप लोग वो स्विफ्ट लैंग्वेज का जो कोड है आप लिखोगे कहाँ पे, वो आप लोग लिखोगे एक्स कोड के अंदर, ठीक है। एक्स कोड एक डेवलपमेंट टूल है जिसके ऊपर एप्पल के तमाम प्रोडक्ट्स के लिए जो भी आप लोगों ने डेवलप करना होता है, अगर आप लोगों ने मैकबुक के लिए कोई चीज़ डेवलप करनी है वो भी आप लोग एक्स कोड के अंदर करोगे, iOS के लिए कोई चीज़ डेवलप करनी है वो भी आप एक्स कोड के अंदर ही करोगे। इसी तरह से एप्पल की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी कोई भी डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए एक ही टूल उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है एक्स कोड, उसके ऊपर ही उसकी तमाम कोडिंग होगी, उसकी तमाम डिज़ाइनिंग भी उसी के ऊपर होगी, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे आप लोगों की फील्ड के बारे में। इसी तरह आप हम लोग सर्च कर लेते हैं कि आप लोगों को अपनी फील्ड के बारे में थोड़ा सा पता लग गया कि iOS है क्या, होता क्या है। अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं, तो इसका स्कोप क्या है, तो iOS यूजर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है।
तकरीबन 900 मिलियन एक्टिव आईफोन यूजर्स हैं अभी करंटली वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और आप लोग कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हो तो उसमें आप लोगों के पास ऐप स्टोर है, आप ऐप स्टोर के ऊपर आईओएस डेवलपमेंट की एक सबसे बड़ी बात यह है, इसमें एंड्रॉयड के मुकाबले में यूज़र चाहे कम है, एंड्रॉयड यूज़र आपके ज़्यादा होते हैं, एंड्रॉयड के अभी करंटली 2.5 बिलियन यूज़र्स हैं और आईओएस के 900 मिलियन यूज़र हैं, क्योंकि आईओएस थोड़ा एक्सपेंसिव है, एंड्रॉयड जो है वो ज़रा चीपेस्ट है, तो यूज़र्स कम होने की एक वजह यह भी है। बट आईओएस के अंदर आप लोगों को एक बेनिफिट यह है कि आईओएस के अंदर जो चीज़ें हैं वो पेड होती हैं, आप लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो आप उसकी कोई एक कॉस्ट सेट करके ऐप स्टोर के ऊपर रख सकते हो, ठीक है, और आप उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हो। इसके अलावा आईओएस डेवलपर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, उनकी सैलरीज भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और थर्ड नंबर पे बात यह है कि आईओएस के अंदर जब आप लोग एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसमें अगर आप आईओएस डेवलपमेंट की एप्लीकेशन के अंदर एक ऐड लगाते हैं तो एंड्रॉयड में अगर एक ऐड के पर क्लिक के ऊपर आपको 1 रुपया मिलता है तो आईओएस में अगर आप ऐड चलाते हैं तो उसके 1 क्लिक के ऊपर आपको 3 रुपये मिलते हैं, ठीक है, मतलब डबल ट्रिपल डिफरेंस आ जाता है। ये जस्ट एक एग्जांपल दी है कि आप अगर आईओएस एप्लीकेशंस के अंदर ऐड आती हैं तो वो ज़्यादा बजट देती हैं आपको बजाय एंड्रॉयड के। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे आईओएस डेवलपमेंट के एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आईओएस डेवलपमेंट का स्कोप भी काफ़ी ज़्यादा है और अगर इसको एंड्रॉयड के साथ कंपेयर किया जाए तो एंड्रॉयड का अपना एक स्कोप है, वो एक अलग फील्ड है, आईओएस एक अलग फील्ड है, दोनों के स्पेक्स डिफरेंट हैं, दोनों के लैंग्वेज डिफरेंट है और हर एक चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों चीज़ों के अंदर। तो इनका कंपैरिजन अपनी जगह पे दोनों बेस्ट हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से मतलब आप लोग आईओएस डेवलपमेंट करके इजीली एक अच्छी जॉब गेट कर सकते हैं। अगर आप जॉब नहीं भी करना चाहते तो आप लोग इजीली अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं आईओएस डेवलपर, फाइबर वगैरह पे या किसी फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर जाके आप लोग सर्च करते हो आईओएस डेवलपर किसी को चाहिए तो वहाँ पे आप लोगों को विचुअल जॉब्स मिल जाती हैं, आप लोग फ्रीलांसिंग करके काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो आईओएस डेवलपमेंट करके, ठीक है। और आप लोग अपनी मर्जी का रेट दे सकते हैं उनको, अपवर्क पे वो जो होता है पर आवर पे करते हैं आपको, आप लोग पर आवर इनिशियली आप लोग 15 से 20 डॉलर अपना पर आवर रेट रख लो, लेकिन जो एक्सपर्ट हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं वो 50 से 60 डॉलर भी पर आवर चार्ज करते हैं काम करने का। तो ये डिपेंड करता है आपके पैशन के ऊपर, आपके जो स्किल्स हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोगों को अपने फील्ड के बारे में जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो वन बाय वन करके आप मुझे चैट बॉक्स में बताते जाएं, मैं आप लोगों को वन बाय वन करके गाइड करता जाता हूं कि आप लोगों को मज़ीद क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आईओएस डेवलपमेंट के अंदर या आप लोगों ने किस तरह से आईओएस डेवलपमेंट के अंदर अपना स्कोप बनाना है। तो अभी तक जो चीज़ें आप लोगों को बताई हैं उनमें कोई इशू हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? जी हैदर, आप काइंडली मुझे अगर मैसेज में बता दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, माइक अभी अलाउ नहीं है।
अच्छा हैदर, आपने अभी तक कितने लेक्चर अटेंड किए हैं? अच्छा जी, हैदर का क्वेश्चन आया हमारे पास कि उसको वेरिएबल्स एंड अरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। तो हैदर, अब इसका सोल्यूशन ये है, आप मुझे काइंडली एक और चीज़ बता दें कि आपका जो बैकग्राउंड है स्टडी का, क्या वो कोडिंग के रिलेटेड है? आपने थोड़ी सी कोडिंग पहले की हुई है या कोई और लैंग्वेज के ऊपर काम किया हो, या आप बिल्कुल एक कोडिंग फील्ड से नहीं है तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अगर आप इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं, अगर आपका कोडिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो इसमें कोई इशू नहीं है। मैं आप लोगों को कुछ तरीके बताता हूँ जिसके थ्रू आप लोग बेसिक कोडिंग थोड़ी थोड़ी खुद करेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को लर्न करेंगे, उसके बाद आप लोगों को चीज़ों को समझने में आसानी होगी। हम लोग यहाँ पर फर्ज करेंगे मुझे कोडिंग बैकग्राउंड का कुछ भी आइडिया नहीं है, ना मुझे कोडिंग आती है, तो मैं यहाँ पर अभी स्विफ्ट लैंग्वेज मैंने स्टार्ट की है। ओके, फिर HTML वगैरह किया, मतलब आपको कुछ ना कुछ आइडिया है कोडिंग के बारे में, कोई इशू नहीं है। हम लोग यहाँ पर फर्ज करेंगे कि आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, मैं भी अभी मुझे चीज़ों का आइडिया नहीं है, तो मैं फर्स्ट करता हूँ कि मुझे अभी कुछ नहीं आता और मैंने वेरिएबल्स और अरे के बारे में सीखना है, वो भी स्विफ्ट के अंदर। तो आप लोगों ने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेना है वेरिएबल्स इन स्विफ्ट। वेरिएबल्स क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं भी आपको ब्रीफ कर देता हूँ। वेरिएबल्स, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो, वेरिएबल एक जेनेरिक सी टर्म है। वेरिएबल जैसा कि नेम से रहा, जब आपने कोई भी वैल्यू किसी एक लाइक आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है अपनी मेमोरी के अंदर, किसी जगह पे स्टोर करवानी है, तो आप लोग उसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसमें कोई ना कोई चीज़ स्टोर करते हो। लाइक मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए नाम का, उसके अंदर मैंने 32 नंबर स्टोर कर दिया। ठीक है, अब उस जो वेरिएबल को मैंने डिक्लेयर किया, पहले तो उसकी डेटा टाइप्स होंगी कुछ। ठीक है, आप लोगों को पहले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ डेटा टाइप्स इन स्विफ्ट। अब मेरे सामने यहाँ पर डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको डेटा टाइप का पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। ये डिफरेंट डेटा टाइप्स आ रही हैं मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास है इंट। इंट बेसिकली क्या है? इंटीजर। इंट क्या है? इंटीजर। लाइक आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर किसी जगह पे कोई एक नंबर स्टोर करवाना है, ठीक है, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हो, उसके अंदर आपने एक नंबर, एक वैल्यू जो है वो स्टोर करवानी है किसी जगह पे, तो आप वो नंबर जो है वो डायरेक्टली कहीं पे स्टोर नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना है और उस वेरिएबल की डेटा टाइप आपने अपनी नीड के मुताबिक डिफाइन करनी होती है। मतलब अगर आपने कोई नंबर स्टोर करवाना है इस तरह का, लाइक 3 है, 23 है, 24 है, 25 है, -23 है, प्लस माइनस में इंटीजर्स आपको पता है, इंटीजर आपने अगर स्टोर करवाने हैं तो उसके लिए आप लोग कौन सी डेटा टाइप यूज़ करोगे? इंट, INT, प्रोग्रामिंग में इसको लिखते हैं INT। ये डेटा टाइप होती है इंटीजर्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैं उसके बाद, पहले हम लोग ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम लोग इसको स्टोर भी करते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों के पास कोई ऐसा डिजिट आता है जिसमें पॉइंट होता है, फ्लोट वैल्यू होती है। लाइक इस तरह का सिनेरियो आ जाता है कि आपने इस तरह का नंबर स्टोर करवाना है कहीं किसी जगह पे, तो उसके लिए भी आप लोगों को वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी और वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होगी। फिर वेरिएबल की डेटा टाइप आप रखोगे फ्लोट। ठीक है, इसी तरह फिर आप लोगों के पास कुछ इस तरह का सेंटेक्स आ जाता है कि आपका आंसर कभी भी, आपने दोनों तरह के नंबर स्टोर करवाने हैं एक ही वेरिएबल के अंदर। ठीक है, आपने इंटीजर टाइप का डाटा भी स्टोर करवाना है और
फ्लोट टाइप का डाटा भी, मतलब आपको नहीं पता कि आपका आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा या इंटीजर में आएगा, हो सकता है दोनों की शक्ल में आ जाए, कभी कभार हो सकता है कि इंटीजर की फॉर्म में आ जाए आंसर, और कभी कभार हो सकता है कि पॉइंट की शक्ल में आ जाए, तो उसके लिए फिर हम लोग एक डाटा टाइप यूज करते हैं डबल। ठीक है, इसमें दोनों तरह का डाटा आ जाता है, पॉइंट वाला भी और बगैर पॉइंट वाला भी। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों के पास थर्ड सिनेरियो आ जाता है बूलियन डाटा टाइप, जिसमें मतलब आप लोगों ने किस जगह पे ये सिनेरियो आ जाता है कि आपने सिर्फ जस्ट ट्रू एंड फॉल्स, मतलब एक कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो उस तरह का डाटा स्टोर कराना, तो उसके लिए हम लोग डाटा टाइप यूज करते हैं बूलियन, इसको BOOL इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, अभी तक डेटा टाइप्स की समझ आई है आपको कि डेटा टाइप क्या होती हैं और डेटा टाइप किसके रिक्वायर्ड होती हैं? किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये डेटा टाइप सेम होती हैं, चाहे आप स्विफ्ट कर रहे हो, चाहे आप जावा कर रहे हो, चाहे आप पाइथन कर रहे हो, तो डेटा टाइप्स हर जगह पे यूज होंगे। ठीक है, ये बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं कि आप लोगों ने डेटा टाइप्स, यहाँ पे मैं सिंपल अभी नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। फर्ज करो मैंने अभी दो डिजिट्स मेरे पास हैं, 32 + 35 कर लेते हैं, इन दो डिजिट्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम बनाना है मैंने। ठीक है, तो आप प्रोग्रामेटिकली इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे? अब मैंने दो वेरिएबल चाहिए मुझे, ठीक है, वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, और मेरे पास डाटा किस फॉर्म में है? इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, ये दो इंटीजर है मेरे पास। अब इस तरह के डाटा को, इस तरह के वैल्यूज को जमा करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? एक प्रोग्राम बनाऊंगा। तो मैं सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा अपने प्रोग्राम के अंदर, लाइक ये इंटीजर डाटा है, तो मुझे सबसे पहले अपने वेरिएबल की एक डाटा टाइप बनानी पड़ेगी। डाटा टाइप कौन सी है? इंट, तो मैं इंट लिखूंगा। इंट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगा। वेरिएबल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, ABCD जो भी, या फुल नेम भी रखते हैं, वेरिएबल Digit 1 भी रख सकते हो, या Variable 1 भी रख सकते हो, या मैं सिंपली इसको ए कर देता हूँ, इंटीजर ए। ये मैंने एक जो है वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसके अंदर मैंने इंटीजर टाइप का डाटा स्टोर करना था, इसको इस इक्वल्स टू असाइन कर दूंगा मैं एक वैल्यू, 32 इसको असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद एक और वेरिएबल लेना है, वो भी इंटीजर टाइप का है, तो उसमें भी इन बी वेरिएबल का नेम चेंज करूंगा उसके बाद 35। ठीक है, तो ये ए जो है ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। ये इंटीजर क्या है? ये इसकी एक डाटा टाइप है, और इस ए वेरिएबल के अंदर मैंने क्या स्टोर करवाया हुआ है? वो है 32। ठीक है, ये दो वेरिएबल्स बन गए। अब एक और वेरिएबल है, इन दोनों को ऐड करने पे एक आंसर भी तो आएगा मेरे पास। ठीक है, उस आंसर को भी आपने कहीं ना कहीं पे स्टोर करवाना है, तो उसके लिए आप लोग दोबारा से एक वेरिएबल ऐड कर लोगे, इंटीजर सी, और इसको भी कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे, अब इसको भी आप वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ इसको हम लोग सिंपली कह देते हैं सी जो है वो आएगा हमारे पास A+ B करने से। ठीक है, और ये एक छोटा सा प्रोग्राम, मैं आपको इसका सेंटेक्स अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ मैं आपको वेरिएबल्स बता रहा हूँ। ये सेंटेक्स हर लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट होगा, स्विफ्ट के अंदर डिफरेंट होगा, जावा के अंदर डिफरेंट होगा। अभी सिर्फ आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है कि ये ए क्या है? एक वेरिएबल है। इंटीजर क्या है? डेटा टाइप है। और ए के अंदर मैंने स्टोर क्या करवा दिया? 32। पर्पस क्या था हमारा? 32 + 35 करना, मतलब दो डिजिट्स को मैंने क्या करना था? दो इंटीजर्स को ऐड करना था। तो इनको हम प्रोग्रामेटिकली कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग में कैसे करते हैं? पहले आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसमें value 1 स्टोर करवाते हो, फिर एक आप दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो, उसमें value 2 स्टोर करवाते हो, फिर एक तीसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हो जिसमें इन दोनों का एडिशन करवा देते हो आप। तो आप जब सी की आउटपुट आएगी, मतलब सी किसके इक्वल आएगा? 32 + 35। ठीक है, इसका मतलब है 65 आंसर आएगा मेरे पास इसका। ठीक है, सी के अंदर ये हो गया इंटीजर का डाटा, कि इंटीजर क्या होते हैं।
इंटीजर किस तरह से। अब इसी तरह से हमारे पास एक सेकंड सिनेरियो आ जाता है कि मुझे 32.5 करना पड़ रहा है और 32.9 करना पड़ रहा है, इस तरह का सिनेरियो आ जाता है। इसी तरह फिर मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊंगा। अब मेरे पास ऊपर डेटा जो है वो पॉइंट्स में आ गया, तो मुझे डेटा टाइप चेंज करके रखनी पड़ेगी फ्लोट, ठीक है। नीचे बी वेरिएबल की डेटा टाइप भी क्या रखनी पड़ेगी, फ्लोट रखनी पड़ेगी। ये डाटा टाइप्स चेंज करनी पड़ेगी मुझे, और डाटा बेस के अंदर 0.5 और 0.9। और इसी तरह अब थर्ड पे इन दो वैल्यूज को ऐड करने से एक थर्ड वेरिएबल मेरे पास आएगा जो कि मेरे आंसर का वेरिएबल होगा। उसमें अब डाटा टाइप आपने सोच समझ के रखनी है, फ्लोट में रखनी है या इंटीजर में रखनी है, वो आप पे डिपेंड कर। अब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने से एक इंटीजर भी आ सकता है और एक फ्लोट वैल्यू भी आ सकती है। अब दोनों तरह के आंसर आ सकता है मेरा। तो इस तरह के सिनेरियो में हम लोग जो आंसर की डाटा टाइप है वो रखते हैं डबल, ठीक है। डबल में सी तरह का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, उसमें रख दूंगा ए प्लस बी, ठीक है। अब मेरे पास डबल की जो डाटा टाइप है इसके अंदर क्या होगा कि अगर मेरा आंसर पॉइंट्स के अंदर आएगा तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर मेरा आंसर इंटीजर के अंदर आएगा तब भी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये हो गया इंटीजर, फ्लोट और डबल। अब एक सिनेरियो आता है, वो एक अलग सिनेरियो, मतलब एक कंडीशन आप लिखते हैं, इफ ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू, यहाँ यहाँ पे लिख देते हैं एंड बी इज इक्वल्स टू सी, इस तरह की कंडीशन है। अगर ये ट्रू होती है तो आपने एक वेरिएबल के अंदर ट्रू स्टोर करवाना है, या फिर आपने एक वेरिएबल के अंदर फॉल्स स्टोर करवाया, मतलब आपने बूलियन की डेटा टाइप यूज करनी है, बूल सी इज इक्वल्स टू ट्रू, इसके अंदर आप सिंपल ट्रू या फॉल्स स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। फिर आपने किसी का नेम स्टोर करवाना है, ठीक है, लाइक मेरा नेम स्टोर करवाना है या किसी का भी नेम स्टोर करवाना है। हम लोग यहाँ पर नेम के लिए एक डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर, स्ट्रिंग डाटा टाइप है, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हो नेम का, ठीक है। नेम इज इक्वल्स टू, इसमें आप लोग लिख देते हो अली, ये आपने स्ट्रिंग होती है। इस तरह का कोई नेम स्टोर करवाना है, कोई सेंटेंस लिखना है, अली इज अ गुड बॉय, ठीक है। इस तरह का कोई सिनेरियो आप लोगों ने लिखना है, इस तरह का कोई सिनेरियो सिनेरियो स्टोर करवाना है, उसके लिए डाटा टाइप होती है स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह डिफरेंट डाटा टाइप जैसे जैसे आप लोग प्रोग्रामिंग करते जाएंगे तो डिफरेंट डाटा, इसमें वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप क्या होती है। उसके बाद अब आपका सेकेंड कॉन्सेप्ट है अरेज का। अरेज को सर्च कर लेते हैं कि अरेज इन स्विफ्ट, अरेज का एक सिंपल कंसेप्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अरेज क्या है। आपके पास फर्ज करो 10 या 15 लोगों के नेम का डाटा है, ठीक है, या 10 या 15 लोगों के रिजल्ट का डाटा है, तो उसको आप लोगों ने अरेज के अंदर स्टोर करवाना होता है। अरेज ज्यादा डाटा के लिए यूज होती है, आपने 5-10 लोगों का, 15-20 लोगों का, 100-100 लोगों का डाटा भी स्टोर कराना है, तो उसके लिए आप लोग अरेज को यूज़ करते हो, ठीक है। इसको हम लोग ज़रा स्टडी कर लेते हैं गूगल के ऊपर कि अरेज क्या है, ठीक है। ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि अरेज बेसिकली ज़्यादा डाटा को स्टोर करवाने के लिए, ठीक है, आपने ज़्यादा आइटम्स को स्टोर करवाना है, 10-15 आइटम्स का डाटा स्टोर करवाना है, उसके लिए आप लोग क्या करते हो, अरेज को यूज करते हो। और अरेज के अंदर आप लोगों की नंबरी स्टार्ट होती है 0 से, ठीक है, मतलब आप लोगों ने 10 लोगों का डाटा स्टोर करवाना है तो आप लोग 0 से 9 तक उसकी लेंथ रखोगे, मतलब 9 अरे की लेंथ भी होती है कि अरे के अंदर कितना डाटा आ सकता है। अगर 100 लेंथ रखोगे तो उसके अंदर 100 लोगों का डाटा आ जाएगा, अगर आप 9 की रखोगे तो उसके अंदर 10 लोगों का आ जाएगा, क्योंकि 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। तो अरेज का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है। आप लोग अगर किसी की समझ नहीं आती, आप लोग YouTube के ऊपर सर्च कर लो जाके कि अरेज क्या है, और स्विफ्ट की जो है ना, आप लोग बेसिक
स्विफ्ट कंसेप्ट को यहाँ पे सर्च करो, बेसिक कोड एग्जांपल्स कर लो या बेसिक ट्यूटोरियल्स कर लो, यहाँ पर स्विफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल आ जाएंगे। छोटे छोटे प्रोग्राम बनाओ तो आप लोगों का जो स्विफ्ट पे हाथ है वो सेट होना स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग स्विफ्ट के अंदर छोटे छोटे प्रोग्राम्स बिल्ड कर लोगे। उसके बाद उसी सेंटेक्स को आप लोगों ने एक्सकोड के अंदर जो आप लोग डिफरेंट एप्लीकेशंस बनाते हैं उसके लिए भी यूज़ कर लें तो आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। एक्सकोड के ऊपर अभी यहाँ पे तो मेरे पास एक्सकोड अवेलेबल नहीं है, बट मैं आप लोगों को एक्सकोड के ऊपर ही करके दिखाता क्योंकि मैंने वर्चुअल बॉक्स के ये मैंने यहाँ पे इसलिए आप लोगों को शो नहीं करवाया। वर्चुअल बॉक्स इसलिए दिखाया कि काफ़ी बच्चों के पास वो नहीं होता, मैकबुक नहीं होता, तो वो विंडोज़ के ऊपर भी उसकी डिवेलपमेंट कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल बॉक्स। स्नैरियो ये है कि उन्होंने सबसे पहले वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना है, फिर वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने उस वर्चुअल बॉक्स के अंदर एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और फिर देन उसके अंदर एक्सकोड यूज़ करना है। बाकी आप लोग एक्सकोड मैंने पहले भी बताया कि वो सिर्फ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर होता है, तो जब तक आपके ऊपर आपके पास मैक नहीं होगी आप लोग एक्सकोड को इंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। बट इसका अल्टरनेटिव यही है कि आप विंडोज़ के ऊपर पहले वर्चुअल बॉक्स करो, वर्चुअल बॉक्स करने के बाद आप लोग मैक ऑपरेटिंग और मैं तो करने के बाद उसमें एक्सकोड करो और उसके अंदर एक्सकोड चला, ठीक है। बट उसके लिए भी आपका जो सिस्टम है उसकी रैम मिनिमम 16 GB रेकमेंड करूँगा, ठीक है। वैसे तो 8 GB पे भी चल जाता है, बट वो है कि आपका जो सिस्टम है वो लैग करेगा, सिस्टम स्लो होगा, तो आप लोग मिनिमम 16 GB रैम यूज़ करें फॉर वर्चुअल बॉक्स। और मैक अगर आपके पास है तो फिर तो बेस्ट है। और बाकी हैदर मैंने आपको अभी बताया है कि आप लोग यहाँ पर छोटे छोटे प्रोग्राम सर्च करो, हाउ टू ऐड या हाउ टू मेक अ एडिशन फंक्शन इन स्विफ्ट या इन एक्स कोड लिख लो, वो ऑटोमेटिकली स्विफ्ट के अंदर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर्स को ऐड करने का स्विफ्ट का एक प्रोग्राम है, इसकी पूरी वीडियो है आप देख लो। काउंटर एप्लीकेशन बना लो, कैलकुलेटर एप्लीकेशन बनाओ, छोटी छोटी सिंपल एप्लीकेशंस बनाओ। इसके पीछे छोटी सी अभी जो मैंने लॉजिक बताई है कि दो वेरिएबल्स होंगे, दोनों वेरिएबल्स को स्टोर करवाना है और फिर उसको ऐड करवा देना है, तो एडिशन का एक नंबर बन जाएगा जो मैंने अभी आपको उनको सिंटैक्स दिखाया है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और हम लोग आप लोगों को अगर नेक्स्ट भी कोई इशू आएगा तो हम लोग नेक्स्ट जूम सेशंस के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे साथ साथ। बाकी आप लोगों ने अपनी तरफ से भी सर्च करनी है और खुद से भी चीज़ों को परफॉर्म करना है, आप लोगों ने सिर्फ कोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को रिसर्च करने से मिलती हैं। रिसर्च करते हैं तो आप लोगों को कुछ नए आइडियाज़ भी मिलेंगे, नई चीज़ें भी मिलेंगी, तो आप लोगों ने उन तमाम चीज़ों को अडॉप्ट करना है अगर आप लोग अच्छे डेवलपर बनना चाहते हैं। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर आप लोग एक ही जगह पे स्टक हो जाएंगे और आप लोग फॉरवर्ड वर्किंग नहीं कर सकेंगे और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा। तो आप लोग खुद से भी सर्च किया करें चीज़ों को, खुद से अपने स्किल्स को डिवेलप करें। बाकी आप लोगों को मैं साथ साथ गाइडलाइन देता रहूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने स्किल्स को बिल्ड करना है और किस तरह से इस फील्ड के अंदर सर्वाइव करना है, ठीक है। तो जी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ या 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ। आप लोगों के अगर मजीद कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग चैट बॉक्स के अंदर मुझे बता सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं ताकि फिर नेक्स्ट सेशन जो है वो भी स्टार्ट।
किसी का कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग मैनेजमेंट, रिगार्डिंग योर कोर्स या रिगार्डिंग योर असाइनमेंट, क्विज, किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और काइंडली आप लोगों के पास जो भी LMS के ऊपर फीडबैक फॉर्म आता है, आप लोगों ने उस फीडबैक फॉर्म को लाजमी फिल करना होता है, क्योंकि जब आप लोग फीडबैक फॉर्म फिल करते हैं तो तभी हमें अंदाज़ा हो सकता है कि आप लोगों ने हमारे कोर्स से कितना कुछ सीखा या हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या इम्प्रूवमेंट होने वाली है। हम लोग आप लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सर्विसेज जो हैं वो ठीक मिल रही हैं आप लोगों को, आप लोगों का क्या ओपिनियन है। अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो हम लोग आप लोगों को इससे भी ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो आप लोग फीडबैक फॉर्म अपना फिल किया करें। इसके अलावा आज जो जूम सेशन हुआ है, इसमें इसके बारे में आप लोगों का क्या फीडबैक है वो भी लाजमी कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि आप लोगों को कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला। तो आप लोगों का जो फीडबैक है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप लोग अपना फीडबैक हर जगह पे लाजमी दिया करें, चाहे वो LMS के ऊपर दें, चाहे वो जूम सेशंस के अंदर दें, तो आप लोगों ने अपना फीडबैक हमेशा लाजमी देना है। और आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स जब आप लोगों को मिलेंगी, जो नए स्टूडेंट्स आए हैं बैच 7 के, उन लोगों को थोड़ा सा PFTP का वर्किंग स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि PFTP किस तरह से वर्किंग करता है। आप लोगों का बैच स्टार्ट हुआ है, आप लोगों के बैच के कुल 12 मॉड्यूल्स होंगे, जिनमें 12 मॉड्यूल्स में आप लोगों को लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को सबसे पहले तो आपके 12 मॉड्यूल्स कंप्लीट करने हैं, उन मॉड्यूल्स को पढ़ना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप लोगों के 12 मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आप लोगों का जब 12 मॉड्यूल आएगा तो 12 मॉड्यूल के अंदर आप लोगों की एक असाइनमेंट मिलेगी। ठीक है, आप लोगों ने वो असाइनमेंट जो है उसके लिए आप लोगों को तकरीबन 1 वीक का टाइम मिलेगा। आप लोगों ने उस 1 वीक के अंदर वो असाइनमेंट परफॉर्म करनी है। जब आप लोग असाइनमेंट परफॉर्म कर लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, उसके लिए भी आप लोगों के पास तकरीबन 2-3 वीक का टाइम होगा। तो उस प्रोजेक्ट को आप लोगों ने कंप्लीट करना है और वो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है। ठीक है, और रेगुलर बेसिस के ऊपर अपने LMS के ऊपर एक्टिव रहना है। आप लोगों ने न्यूज़ फीड जो होती है, न्यूज़ फीड को देखते रहा करें, ताकि आप लोगों को कोई भी इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो, कोई भी अनाउंसमेंट मिस ना हो। और इसके अलावा हमारे जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर आप लोग लाइव रहा करें, मतलब एक्टिव रहा करें कि फेसबुक पेज के ऊपर कोई नई अपडेट आई है, कोई नई न्यूज़ आई है। LMS के ऊपर एक्टिव रहा करें ताकि आप लोग जो है कोई भी चीज़ मिस ना करें। बाद में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के इश्यूज आ रहे होते हैं कि हमें पता नहीं था एक चीज़ का, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर अपने LMS के ऊपर एक्टिव होना है, उसमें न्यूज़ लेटर को पढ़ना है, कोई नई न्यूज़ आई है तो उसको पढ़ना है, कोई न्यू नोटिफिकेशन है उसको पढ़ना है। तो ये सब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से निभाएं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चा असाइनमेंट सबमिट करवाएगा, प्रोजेक्ट सबमिट करवाएगा, तो उसी को ही सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके अलावा आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अपने लेक्चर्स को अच्छी तरह देखें और जो आप लोगों को असाइनमेंट मिलेगी बाद में वो परफॉर्म करें, उसके बाद फाइनल प्रोजेक्ट परफॉर्म करेंगे आप, देन आप लोग जो है फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों का अब कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग फिर इस सेशन को एंड करते हैं। तो आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।